मेरे को आ रही आवाज है भाई, मैं तो नहीं बैठूंगा यहाँ पे, मेरे को लग रहा है डर यहाँ से भाई, क्योंकि भाई यहाँ कुछ भी हो सकता है अंदर, देखो क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है बहुत टाइम से। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. ये देख लो गाइस, इसको बिल्कुल भी अपनी पोनी नहीं बनवानी होती, और बना देंगे 10 मिनट बाद ही खोल देगी स्कूल में जाके। और आज है इसका फ्रूट मार्केट डे, ये तो आज इसका फ्रूट मार्केट डे है। फिर तो इसलिए तो यूनिफॉर्म पहनाई है। अच्छा, इसीलिए यूनिफॉर्म पहनाई है। तो गुड मॉर्निंग नतीशा जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। तो मैडम, आज आपकी फ्रूट मार्केट जाना आपको, और ये रे भाई हम, जैसे कि आप शीशा, मेरे बारे में मेरा तो कोई वैसा भी इतना कुछ है ही नहीं, ये लोग गिनते ही नहीं है मुझे। जैसे मैंने अभी गुड मॉर्निंग करने के लिए किया तो इसने फटाफट शीशा हटा दिया, तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज के अंदर। पतीशा जी, ओ पतीशा जी है, अबला मर्दों के साथ तो अबला मर्द ही हूँ मैं। ओए, आज फ्रूट मार्केट जाएगा, फ्रूट मार्केट स्कूल विजिट है ना आज आपकी फ्रूट मार्केट की है। अब तो छोड़ दे इस डोल को। क्या है बताओ, बताओ है। गुड मॉर्निंग शबीना जी, तो कैसे हैं शबीना जी? गुड मॉर्निंग। और इधर है हमारी मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी, क्या हो रहा है? रोटी बना रही। क्या बनाया आज? ओहो चलो सही है। और उधर देख लो, उधर देख लो, उसको देख लो, देख लो जहरी को, उसने सही कर दिया वो पाइप। वो मैं कैसे कर दूंगा, मैं कोई प्लम्बर हूँ? वो खोल के मैंने देख लिया इधर वाला, उसमें पानी आ रहा है, कम आ रहा है। किसमें? इधर वाला जो वॉशिंग मशीन में लग रहा था। हाँ तो फिर दूसरे वाला मैं कैसे खोलूंगा, मेरे को थोड़ी आता है। तो पेच आपको नहीं आते क्या खोलने? अरे टांग देंगे एक अबला मर्द के साथ। आपने करना, मैं तो दो बार ऊपर चढ़े। एक अबला मर्द के साथ ऐसे ही करते हो आप सब मिलके, मेरे को बेचारे शरीफ बच्चे के साथ दो बार ऊपर चढ़े। ऊपर के करण गई नु देखण गई, मेरे को टंकी में पानी है, एक ना टंकी भरी है, यहाँ पानी आना है। किस में ना आ रहा था पानी? वॉशिंग मशीन में। एक वॉशिंग मशीन की मारी ऊपर चढ़ गई, इससे बेटर इसी को कहते दिमाग का यूज, और नल खोल के देखती। ये भी आ गई, परी भी आ गई हंसी, दादी के ऊपर देख लो। जय डुगु महाराज की। तो कैसे डुगु महाराज आप? बढ़िया बढ़िया। तो आज क्या मिला है लंच में? परी परी 2 मिनट मेरे को तो पूछ लें दो, आज क्या मिला है डुगु लंच में? हाँ चीला और दही। मैं आ गया था सदर क्योंकि नीतू के कपड़े जो उस दिन लिए थे हमने वो उठाने थे। और ये देखो भाई मेरा हेलमेट, क्योंकि आजकल भाई चलाना अच्छा खासा तो हेलमेट पहन के आना पड़ता है। अभी मैं भाई के पास आया तो भाई तो भूल गया, वो भाई तो था नहीं, दूसरा भाई है, वो कह रहा है मेरे को तो नहीं दिया। मैंने कि एक बार तेरे को ब्लॉग में दिखाता हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉग में लिया था। तो वो कह रहे कोई नहीं, एक बार आप कपड़े का वो बता दो मेरे को कलर कौन सा है, तो अभी मैंने नीतू से मंगा लिया, नीतू भेज देगी, फिर वो लेके निकलते हैं। और भाई कहाँ चलेंगे वो देखना भी आगे। ले लिया अपनी भाई पूरी सब्जी, जो कि मेरी फेवरेट है, क्योंकि अगर आप सदर बाजार आए, मैंने उस दिन भी यही चीज़ कही थी, और आपने यहाँ की पूरी सब्जी कचौरी सब्जी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि भाई ये यहाँ का बहुत ही फेमस और कम से कम 40 से 50 साल पुरानी। तो चलो फटाफट से निकलते अपने घर। तो गाइस हमने ले लिया अपनी पूरी सब्जी और अब निकलेंगे भाई घर, क्योंकि भाई हम हो चुके हैं घर के लिए बहुत लेट, और भाई गर्मी बहुत एक्सट्रीम है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे बहुत एक्सट्रीम पसीने भी आ रहे हैं। और ये पूरी सब्जी मैंने ली है मम्मी के लिए, क्योंकि भाई उस दिन हम लोगों ने खा लिया था, मम्मी ने नहीं खाया था तो मम्मी का भी मन था। फिर नीतू ने भी नहीं खाया था उस दिन, क्योंकि उसने वो चुड़चुड़ नान खा ली थी, तो वो बोली कि ठीक है आप ले आना, और सभी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तो देखते हैं अभी घर। मैंने फिर इसलिए एक प्लेट पूरी सब्जी और 2 प्लेट कचौरी सब्जी पैक करा ली है। कचौरी मतलब वो जो वैसे वाली कचौरी होती है ना, मतलब मोट वाली कचौरी, वो वाली। तो चलो भाई फटाफट से निकलते घर, सीधे मिलेंगे अब घर पे, क्योंकि बीच में भाई ड्राइविंग करते टाइम मैं फोन उठाता नहीं, अभी तो मैं बाजार में हूं इसलिए मैंने फोन उठा रखा है, और रोड पे नहीं उठाएंगे क्योंकि भाई रूल्स के खिलाफ हम रूल्स तोड़ते हैं नहीं। तो चलो चलते फटाफट से घर। पहुंच चुके हैं और भाई गर्मी में हालत दिख रही होगी, क्या हालत होगी यार पसीने में भाई, शायद इसमें कैमरे में पता ना चल रहा हो। ये देखो पास से लगा दिखाता हूँ, ये देखो पसीने बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रखे, क्योंकि भाई वैसे भी मैं एक्टिवा पे गया था, गाड़ी में इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि उस दिन मैं गाड़ी लेके गया ना, मेरे को गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिली, और भाई सदर में ना बहुत दिक्कत हो जाती है गाड़ी को लेकर। फिर तो मेरे को लगा कि मेरे को यार 10 मिनट का काम है तो मैं इस पर चला जाता हूँ। और नीतू का पार्सल लेके आ चुका हूँ, नीतू अभी वॉशरूम में जैसी बाहर आएगी उसको देते हैं,
और भाई मतलब यही था एक्टिवा ले जाने का रीजन। तो पर वैसे ना मेरे को एक्टिवा पे डर लगता है टू बी फ्रेंक, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया एक्टिवा छोड़े हुए। मैं सिर्फ मतलब गाड़ी चलाता हूँ मोस्टली, तो भाई थोड़ा बहुत तो डर लगना लाजमी है। जैसे मेरे साइड में से गाड़ी निकल रही थी ना, तो मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे देख के शीशे में देख के ऐसे चला रहा था, मतलब जैसे नए ड्राइवर होते हैं। तो शायद नीतो आ चुकी है, नीतो से मिलवाते हैं। नतीशा मैडम लो, इतनी गर्मी में मैं तो ले आया ये तेरे लिए। एक तो भाई ये लाइट लुइट ऑन करेगा, तू दिखती ना है, तेरा गोरा मुखड़ा छुप जाता है, ठीक है? अपना दिखाई दो लोगों को। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैं तो एक भरी दोपहरी में गया हूँ तेरे लिए, तू चली जाती भरी दोपहरी में, कभी नहीं जाती, सात जन्म तक ले लेती जब भी नहीं जाती तू भरी दोपहरी में। मैं तेरे लिए भरी दोपहरी के अंदर गया हूँ इतनी गर्मी में, वो भी एक्टिवा पे। मैं नहीं जा सकती थी। कुछ कहना चाहेंगे आप इसके लिए? एक्सक्यूज मत दो। दूसरी बात मैं नहीं करती आपके लिए। मैं क्या कह रहा हूँ इसके लिए? कुछ मैं रात के 10 बजे उठ के आपके लिए वहां से कुछ लाना था बाहर से, वो लेके आई दवाई 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 कुछ नहीं दवाई। लोग इस चीज को ना पता क्या समझे ताता परी। तो मैडम ये आ चुका है परी, हमारी परी मैडम भी घर पे आ चुकी है। परी एक तू भी बेइज्जती करवाती रहती मेरी, एक गंदी बच्चू। तो ये आ चुका है भाई हमारा खाना, जिसमें की पूरी सब्जी जो की नीतू को बहुत ही एक्सट्रीम पसंद, और इसीलिए भाई मम्मी ने भी उस दिन दिखाया था थोड़ा बहुत। मम्मी मतलब सब ले लेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा, है ना? अब थैंक यू तो बोल दे, कम से कम एक थैंक यू तो बनता है। थैंक यू मतलब मांग के लिया तो क्या लिया, तू अंदर से इधर को आती कह रही थी था, ओ राहुल जी थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए लेके आए इतनी गर्मी में जाके। अच्छा। तो तेरे कुछ ऐसा रिएक्शन दिखा नहीं, छोड़ के भी तो आपकी वजह से घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, पता तुझे? आपने तो कहा था कि आज डाल के चल वापिस, मैं अपने आप ले जाऊंगा। मैंने तो कहा था 15, उन्होंने कहा था 15 मिनट वेट करो। मैं क्या कह रहा हूँ, चल मैं गया, मतलब इस चीज का कोई एहसान नहीं है, मैं गया नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ तब एहसान है। तू क्यों मार रही है मेरे? एक बात बता, तू अपनी माँ की चमची है क्या? इधर दिखा इशाकल, ये प्यारी सी फेस दिखा दे इधर, है जा, अब जाके खाना डाला, थैंक यू तूने बोलना ना, जा भाई। जब आ चुका है अपना लंच, लंच में है भाई पूरी, चावल, पेठे की सब्जी, कढ़ी, आलू की सब्जी, लस्सी और रोटी। तो नीतू क्या कहना चाहिए आज तू इस चीज के लिए? बहुत टाइम बाद खा रही हूँ पेठे की सब्जी और पूरी, बहुत टाइम हो गया, और वो बहुत ज्यादा फेमस है जहाँ से आप लाए हो, क्या नाम है उस वाले? वो इसका वो है पंडित जी कुछ करके है, मतलब ये मेरे हिसाब से 40-45 साल पुरानी है, और भाई बहुत अमेजिंग मिलती है यहाँ पे। पेठे की सब्जी तो अमेजिंग होती है। तो फिर तुम कचौरी तो लाई नहीं? कचौरी अभी नहीं खानी, अभी इतना कुछ है तो कचौरी खाते हैं। अच्छा नहीं खानी नहीं। तो भाई नीतू की फेवरेट है ये वाली पेठे की, मीठे वाली है ना? हाँ मीठे सबसे वाले ज्यादा, आज तो मौज होगी। गाइस मैंने अभी किसको पकड़ा, मैंने पकड़ा अभी शबीना को। शबीना कहाँ घूम रहे हो आप, कहाँ घूम रहे हो बता दो, है कहाँ पे आ रहे हो? अच्छा फिर ठीक है। तो गाइस मैं फिर से निकल गया हूँ, और मेरे साथ है दो मेहमान फिर से, एक येरी इधर और एक गोरी मेम पीछे। तो हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव में, जैसे कि आप लोग मेरे को बहुत बार कमेंट कर चुके हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि भैया अपना गांव दिखाओ गांव दिखाओ। तो मैं आज आपको छोटी सी झलक दिखा दूंगा पूरा, मतलब अपने गाँव का टूर तो किसी दिन और दूंगा, आज एक छोटी सी झलक दिखा दूंगा मैं आपको। तो चलते हैं भाई, और सबसे पहले ले लेते हैं बड़ी मम्मी को, क्योंकि बड़ी मम्मी भी जाएंगे हमारे साथ। तो बड़ी मम्मी को लेके फिर निकलते हैं भाई अपने गाँव में, तो और दिखाते हैं अपनी क्या क्या चीज़ें, पुरानी चीज़ें अपनी क्या क्या। भाई जी आ चुका है अपने सरोल गांव का रास्ता, यहाँ से अपना गांव हो जाता है भाई स्टार्ट, और आगे लग रही भाई थोड़ी सी भीड़, अभी फटाफट निकालते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, और भाई मेरे जियाजी का ऑफिस भी यहीं पे ही है, ये नहीं बता सकते कौन से, पर यहीं पे ही है। और ये देखो ये सबसे बेस्ट बिल्डिंग है जो सरोल के बिल्कुल स्टार्टिंग में है, और इस बिल्डिंग को बनने में लगे हैं भाई पूरे 7 साल। ये देखो भाई अंबानी के घर जैसी बना गिरी, और यहाँ से भाई अपना प्यारा सा गाँव स्टार्ट। सबसे पहले सामने आती है रेनबेक्सी कंपनी थी पहले, अब तो वो तो जा चुकी है, पर उसी के नाम से जाना जाता है ये पूरा अभी भी। और भाई यहाँ पे हो रही जबरदस्त बारिश। तो गाइस ये देखो ये अपने गांव की एंट्रेंस, और यहाँ से होता है अपना गांव चालू। अब गांव के अंदर की तो क्या वीडियो दिखाऊंगा मैं तुम्हें, फिर सीधे अपने दिखाते हैं अपना घर वाले पर दिखाते हैं तुम्हें, और मम्मी को छोड़ देते हैं पहले, क्योंकि इनको छोटा सा काम भी, अपना काम कर लेंगे, इतने हम आपको दिखाएंगे अपनी सारी चीजें। तो गाइज ये है अपनी बिल्डिंग, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अभी अंदर चल के दिखाऊंगा, बाहर से आपको एक्चुअल पता नहीं चलेगा। और ये भी भाई स्पेस अपनी है, पर ये खाली पड़ी है यहाँ तक जहाँ तक टूटी हुई है, इधर किसी और की है वाली। तो गाइज ये है अपनी बिल्डिंग्स। तो ये है कुछ ऐसी, अंदर से शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं भी बहुत ही कम और रेयर आता हूँ। तो ऐसा है कुछ ये जो बनी हुई है, और तो ये 5 फ्लोर ऊपर बनी हुई है। इधर की साइड अभी अंदर जाने का रास्ता है नहीं, तो आपको जा नहीं सकते, क्योंकि इधर चल रहा है कंस्ट्रक्शन, पर इधर की साइड भी दिखाता। दूसरी जो बिल्डिंग है वो है उधर दूसरी साइड, वहाँ पे पापा अभी मिलेंगे, तो वहाँ पे किसी और दिन दिखा दूँगा मैं। तो गाइज़ ये है अपनी हवेली, जैसा कि इसको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी है। पहले इसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, फिर सबसे अलग 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 बट गए। तो वैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितनी बड़ी है ये। जैसा कि दिख ही रहा होगा ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है। यहाँ पे लोगों ने लिख भी दिया अपना, ये किसी और की थी,
ये दूसरे मतलब जो घर होते हैं उनकी थी, ये वाली अपनी थी। इसको अंदर से भी दिखाऊंगा मैं आज आपको। तो गाइस ये है अपनी हवेली की एंट्रेंस, ऐसा कुछ दिखता है और अंदर है ऐसा कुछ। ये पहले ये बहुत पहले के टाइम की है, मतलब जब मेरे दादा और पापा यहाँ रहते थे, मेरी बुआ यहाँ रहती थी। थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज मेरे को भी ये भूतिया सी लग रही है। अब तो यहाँ पे रहते बहुत कम है। ये देखो गाइस, अब बहुत सारे रूम्स तो यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी भी बंद हैं। इसके ऊपर भी है, तो इसके ऊपर मैं चढ़ के तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे को लगता है डर, नहीं पता कब कौन सी गिर जाए। बाकी कुछ दिखती है ऐसी, इसकी फ़ोटो ले लेते हैं एक। वो चकचुंदर भी है भाई यहाँ, तो बच गया मैं अभी। बैट, चकचुंदर यानी बैट। ये बहुत पुराने टाइम की है गाइस, बहुत ही पुराने टाइम की। ये देखो, तो भाई यहाँ से मेरे को आ रही है आवाज़ है भाई, मैं तो नहीं बैठ हूँ यहाँ पे, मेरे को लग रहा है डर यहाँ से भाई, क्योंकि भाई यहाँ कुछ भी हो सकता है अंदर। देखो क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है बहुत टाइम से। पहले ना गाइस हम लोग यहाँ पे बहुत खेलते थे, बहुत खेलते थे। अभी ये अपना ही सामान पड़ा है, क्योंकि अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये अपना ही सामान पड़ा है। पहले ये पूरा खाली था, ये घर भी इतने बड़े बड़े नहीं बने हुए थे, बहुत ही कम थे। ये था एक, वो भी नहीं था, ये भी नहीं था। इधर भी अपनी गली पूरी खाली रहती थी मोस्टली, पर अब सब लोग बाहर निकल चुके हैं। कोई मतलब मेरे हिसाब से हमारे पूरे मोहल्ले में से जो एक मोहल्ला होता है ना, उसमें से बहुत खींच के ना एक या दो घर रह रहे होंगे, बाकी सब निकल चुके भाई बाहर, सब के सब बाहर निकल चुके। कोई गांव में नहीं है, सिर्फ रेंट पे बनाया हुआ है सबने अपनी, जो जिनका घर था उन्होंने बिल्डिंग्स बना दी, जिनके प्लॉट्स थे उसमें बिल्डिंग्स बना दी। ये गांव से क्या निकले, भगवान भी रोने लग गया कि तुम गांव से मत जाओ, इतनी तेज बारिश आ गई। हम गाँव से क्या निकले, भगवान भी हो गया। अच्छा जी, बड़ी मम्मी तो बाहर देख रही, बड़ी मम्मी अंदर देखो, बाहर देख के क्या करोगी भाई। बड़ी मारी बड़ी मम्मी कभी कभी शर्मा जावे, कभी कभी खुद ही आ जावे। देख दिग्गी साइड में दिग्गी ना, ये आ चुका है अपना आज का डिनर, जिसमें की है छोले की सब्जी, ये जो खीर है जो नीतू ने बनाई है, ये राइस, ये लस्सी, ये भिंडी की सब्जी और मेरी एक रोटी। और भाई नीतू ने भाई जी खा रखा है जब से, क्या पहले तो लाइट बंद करता हूँ, रुक जाओ। नीतू ने बिना लाइट के, नीतू फिर तो हमारे रूम की लाइट भी तो कम है, पर बात तो वही है, अब ठीक आ रही है। तो गाइस नीतू ने मेरा जी खा रखा है जब से, यूं कह रही है कि कुछ भी करो पहले टेस्ट करो, जब बताओ पहले टेस्ट करो जब बताओ। मैंने 3 घंटे लगा के बनाई है। अरे तो ठीक है, कर रहा हूँ, ले पकड़। मेरे पैर दुख रहे हैं। हाँ तो ठीक है, पकड़ यार। क्या जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे मतलब हम। इस गाने का क्या सेंस है? इस गाने का ये सेंस है कि भगवान मुझे बचाना, 3 घंटे लगा, तूने पता नहीं क्या ही बनाया है इसमें। ठंडा मत करो खाने, तुम लोग मेरे गवाह हो गाइस, ठीक है? अगर मेरे को कल को कुछ होता है तो तुम लोग मेरे गवाह हो। यार नीतू भाई साहब A1 बना रखी है यार, तूने बनाई सच बताइए, बाहर से नहीं मंगाई है तूने? कढ़ाई कढ़ाई दिखाऊं? चलो मैंने पूरा व्लॉग शूट किया है। तूने अपना इसका शूट किया क्या? पर अगर तूने बनाई तो मैं तो चुम्मेश्वरी खीर है, चुम्मेश्वरी खीर मतलब मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट खीर है भाई। देख मैं इतनी शादियों में जाता हूँ, इतने रेस्टोरेंट्स में गया, मैंने ऐसी खीर नहीं खाई भाई। तो तूने डाल क्या क्या रखा है इसमें? ड्राई फ्रूट खीर है ये, ड्राई फ्रूट। ये मोटे मोटे क्या है? दाल मखाना। दाल मखाने? दाल मखाना, ताल। ताल मखाने, दाल ताल जो भी है। पर यार खीर नहीं तो एक नंबर है, थैंक यू यार, थैंक यू। मतलब रात बना दी तूने आज मेरी, दिन लोगों का दिन बनता है, मेरी रात बन गई इतनी मजेदार खीर खा के। ये पूरी नहीं खानी आपको? यार अब बनाई मेरे लिए, टेस्ट के मेरे लिए रुक रही थी तो थोड़ी बहुत, मतलब आपको खानी है थोड़ी 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 करके खानी, एकदम से भर के। 3 दिन में खानी है? भर के नहीं खानी, बस 3 दिन में। हाँ 3 दिन 4 दिन में खाओ। ये वाली तो 2 दिन में कर देना, जैसे कि आधी अब खाई आधी कल खाई, आधी कल रात को खाई। हाँ ऐसे कैसा क्यों कर यार, देख के चल ठीक है, बंद कर कैमरा, बंद कर यार, ठीक है मैं खा लूंगा।